जौनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह करेंगे नामांकन, बड़े बड़े दिग्गज रहेंगे मौजूद। जी हां, नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह आज लगभग 12 बजे नामांकन करेंगे। उससे पहले 9 बजे जो है वो जौनपुर के BRP कॉलेज में एक भारी जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान एवं तमाम अन्य विधायक सांसद वहां पे मौजूद रहेंगे। पहले एक बकायदा जो है जनसभा करी जाएगी, जहां पे जो है तमाम भारी संख्या में कृपा शंकर सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वहां पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद नामांकन करने से पहले जो है वहां पे एक भारी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों का आगमन होगा। उसके बाद बड़े बड़े दिग्गजों के साथ कृपा शंकर सिंह जौनपुर लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज अपना नामांकन करेंगे। वहीं उनके साथ कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान तथा उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और MLC विजय सिंह पिंसू, रमेश चंद्र मिश्र विधायक बदलापुर, ऐसे तमाम सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद, ऐसे तमाम अन्य नेता भी आज उनके साथ मौजूद रहेंगे। और एक भारी जो है जनसभा को संबोधित करने के बाद कृपा शंकर सिंह जो है अपना नामांकन करेंगे। भारी जनसभा जौनपुर के BRP कॉलेज के ग्राउंड में रखा गया है, जहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन होगा। आपको बता दें कि जौनपुर की लड़ाई इस बार काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व मंत्री रहे एवं जो है बहुजन समाज पार्टी के एक दिग्गज नेता को समाजवादी पार्टी ने यहाँ सपना उम्मीदवार बनाया, जिनका नाम है बाबू सिंह कुशवाहा। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद रंजन सिंह की पत्नी एवं जौनपुर के वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला सिंह को मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं यह त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जौनपुर लोकसभा सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और केशव प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, तमाम अन्य बड़े नेता की उपस्थिति में आज जो है कृपा शंकर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले बाकायदा एक पूरी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। अपने समर्थकों के जोश और उत्साह के साथ जो है आज वो अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में। आपको बता दें कि वही जो है पूर्व सांसद रंजन सिंह के जमानत हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जो है जौनपुर की सियासत एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी तरीके से गर्मा गई है, और जौनपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला जो है त्रिकोणी माना जा रहा है। सपा, बसपा और भाजपा यहाँ पर तीनों लड़ाई बताई जा रही है। अब कौन निकल सकता है ये तो 4 जून को पता लगेगा कि जौनपुर का ताज किसके पास होगा, ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन आज जो है कृपा शंकर सिंह केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में नामांकन करेंगे। सही और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।